आम लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार विविध योजनाएं संचालित कर रही है। लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना का धार जिले में किस तरह से क्रियान्वयन किया जा रहा है, आइए देखते हैं हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। धार जिले के रहवासियों को सस्ती और बेहतर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं। ये जनऔषधि केंद्र यहां के लोगों के लिए वरदान साबित हुए हैं। गुणवत्ता वाली दवाएं अब लोगों को आधे दामों पर मिल रही हैं। ग्राम केसुर के रामनगर निवासी अयूब खान बताते हैं कि उनके यहाँ कई परिजनों के बीमार रहने पर अक्सर उन्हें हर महीने हजारों रुपये की दवाएँ खरीदनी पड़ती थीं, लेकिन जब से जनऔषधि केंद्र खुला है तब से दवाएँ आधे दामों पर मिल जाती हैं। सादलपुर के हरसोरा गांव के रहने वाले सरदार सिंह की पत्नी को शुगर की बीमारी है और बेटा लकवाग्रस्त है। इस परिवार के लिए जनऔषधि केंद्र राहत का सबब बन गया है। कुछ ऐसा ही खिलेड़ी के नूर मोहम्मद बताते हैं, जो जनऔषधि केंद्र से सस्ती दवाएं खरीदकर आर्थिक बोझ से बच गए हैं। जनऔषधि केंद्र खोलने वाले यहाँ के विशाल मेहरा का परिवार भी सरकार की इस योजना की तारीफ कर रहा है। जनऔषधि केंद्र के माध्यम से विशाल को जहाँ रोजगार मिला, वहीं आर्थिक सुरक्षा मिलने से परिवार भी खुश है। मेरे घर में 5 पेशेंट हैं, जिसमें शुगर और बीपी और एक्जिमा के मरीज है, जो हर मंथली 1000 से 1500 का पूरी दवा जो मार्केट से लाना पड़ती है। जब से जन औषधि केंद्र डला है, जब से 200 रुपये महीने में मेरा पूरी पूरी दवा संपूर्ण रेंज में है, जो कि अच्छी योजना है सरकार की है। हम जन औषधि दवाई लेते हैं, पहले डबल दाम मिलते थे, आधे में मिल रही है, काम वही कर रही है। पत्नी को शुगर की चल रही है, बच्चे को लकवा मार गया उसकी चल रही है, तो आधे दाम में काम हो रहा है। और मैं बीमार रहता हूँ, इसलिए मैं इंदौर का इलाज चलता था, और वहाँ से चलने के बाद में यहाँ जो स्टोर सादलपुर में खुला है, वहाँ से गोली दवा लेता हूँ। मेरे को इसका फ़ायदा मिलता है, वहाँ से 4000 की मिलती थी, तो यहाँ 2500-3000 की मिलती है, इसमें मेरे को लाभ है। केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है ये, जिसमें लोगों को बहुत अच्छी राहत मिलती है। और निम्न वर्ग के लोग, जैसे कि किसान हैं जो अपनी खेती पर ही डिपेंड है, जो मजदूरी करते हैं, उनको इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा हुआ है। और लोग मुझे बोलते भी कि यार बहुत सस्ती मिल रही है आपके यहाँ दवाइयाँ। मैंने फिर उनको बताया कि अपनी केंद्र सरकार की योजना है जो चलाई जा रही है, जो निम्न वर्ग के लोग दवाइयाँ खा नहीं पाते हैं, जो बीमारी को अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छी चीज़ है। फिर मैंने जन औषधि केंद्र डालने का सोचा, और बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे भी है। और मुझे यहाँ से, पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था, अब मैंने मेडिकल डाला तो मुझे रिस्पांस भी अच्छा मिला, बाद में मुझे एक रोज़गार मिला, और मेरे घर परिवार का भी एक सहारा, मतलब एक मेडिकल सहारा हो गया है।